रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई है। भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा, दीपक बैज इस बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य पूर्व एमएलए बैठक में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार पर मंथन हुआ। आपको बता दें कि कांग्रेस स्थापना दिवस और साथ ही क्राउड फंडिंग को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। दरअसल बैठक बुलाई गई थी और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य पूर्व एमएलए इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। लोकसभा चुनाव और साथ ही यहां पर पार्टी को मजबूत करने के लिए तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों से बातचीत भी यहाँ पर तमाम बड़े नेताओं ने की है। चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है, जो आगामी लोकसभा चुनाव होने वाला है। कांग्रेस स्थापना दिवस और साथ ही क्राउड फंडिंग को लेकर भी बातचीत हुई है। संवाददाता शिवम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो शिवम, यहाँ पर तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है, इस बैठक से क्या निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस मैराथन बैठक कर हार की समीक्षा कर रही है और इसी कड़ी में आज एक बार फिर कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में ये बैठक आयोजित की गई थी। कार्यकारिणी बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम दिग्गज नेता संगठन के मौजूद थे। इसके साथ ही जो विधायक जो चुनाव प्रत्याशी हार चुके थे, उन प्रत्याशियों के साथ खुलकर बातचीत की गई और हार के कारणों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही बता दें कि आने वाले समय में 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, तो लोकसभा चुनाव को लेकर के भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही संगठन में एकजुटता बनाए रखने की भी जो है दिशा निर्देश यहां पर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी पूर्व विधायकों को और संगठन के नेताओं को दिए हैं। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि 28 दिसंबर को कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस होना है और इस मौके पर छत्तीसगढ़ से लगभग 28,000 से अधिक कार्यकर्ता कांग्रेस की एक महारैली में शामिल होने जाएंगे। इसको लेकर भी जो है एक तरीके से बातचीत की गई, समीक्षा की गई और 28 दिसंबर को किस तरीके से योजना रहने वाली कांग्रेस की छत्तीसगढ़ से जाने की, इन चीजों पर चर्चा की। ठीक है शिवम, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।